हमें हर बात के लिए शहर पर निर्भर रहना पड़ता है, गांव में बहुत कम चीजें मिलती हैं। हमारी टीचर कहती है कि गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। हम सब मिलकर अलग अलग पॉइंट्स निकालेंगे। हम गीत प्रस्तुत करेंगे ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो और हमें ध्यान से सुने। हमें अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें ऐसा लगता है हमारे गांव में सारी चीजें उपस्थित हों। मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है जागी आरज़ू। आप सभी उपस्थित गुरुजनों सज्जनों को प्रणाम। आज हम 5-6 महीनों से देख रहे हैं, इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। अपने आप को लेकर हम कितने लापरवाह हो रहे हैं। खान पान, फैशन, रहन सहन आदि बहुत सारी बातें हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया अपने स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य के लिए कितनी जागरूक है यह समझ आ रहा। हमें अपने आप को मजबूत रखना पड़े। हम गांव के लोग हैं, हम सबके पास आदि बीघा से लेकर 100 बीघा के खेत है। अपनी फसल के साथ 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 सब्जियां कर सकते हैं। एक दो चीज़ों को छोड़कर हम सारी चीज़ें अपने खेत में उगा सकते हैं, लेकिन उन सब्जियों में किसी भी प्रकार का जहर नहीं डालें, एकदम शुद्ध नेचुरल तरीके। यह विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बातें बहुत बड़ी करते हैं, पर क्या स्वच्छता हम अपने घर आजू बाजू का एरिया गांव को स्वच्छ रखते हैं? एक दो एरिया की बात नहीं, क्या हम हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, हमारा गांव रोग मुक्त, नाश मुक्त, खान पान, स्वच्छता, ये सभी चीजें। हमें अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। हम आज से प्रण लेते हैं कि घर में ही उगाएंगे सब्जियां और बच्चों को बिना जहर वाली सब्जियां खिलाएंगे। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। गांव आत्मनिर्भर कैसे बने, हम सब गांव वाले हैं, वो अमल में लाएंगे, उस पर विचार भी करेंगे। और बच्चों का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सराहनीय योग्य है, इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक महामारी की वजह से एक जगह सभी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए बच्चों ने ये आइडिया निकाला कि मंदिर परिसर में 5-6 बच्चे इकट्ठा होके पूरे ग्रामवासियों को ये माइक द्वारा संदेश दिया गया कि गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ये कार्यक्रम करके हमें बहुत खुशी हुई और बहुत से लोगों ने हमें शाबाशियां दी। पाटोदा कस्बे के देवी माता मंदिर परिसर में सोमवार को बच्चों ने डिजाइन फॉर चेंज प्रोग्राम के तहत गांवों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं विषय पर चर्चा कर जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से भीड़ इकट्ठा ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश जा सके, इसके लिए दुर्गा माता मंदिर का चयन किया गया। माइक के द्वारा ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनने का सुंदर संदेश दिया गया।